प्रयागराज कोर्ट ने अब्बास अंसारी को 7 दिन की रिमांड ईडी को सौंप दी है। ईडी ने अब्बास अंसारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में लिया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज को सीएम योगी की सौगात, छात्रावास का किया शिलान्यास, कहा कोरोना प्रबंधन में सबसे आगे रहा भारत। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बागपत पहुंचे, जहां उनके आगमन पर सम्मान सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और बागपत सांसद मौजूद रहे। गाजीपुर पहुंचे डिप्टी सीएम राजेश पाठक का डेंगू पर बड़ा बयान, कहा डेंगू से निपटने में सरकार सक्षम, पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं, यूपी में डेंगू सिर्फ टीवी पर। रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद सपा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, जहां पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दोनों सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर मंथन हुआ। मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव का ऐलान, समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया। पूर्व मंत्री व वरिष्ठ नेता योगेश प्रताप सिंह को मिली जिम्मेदारी। संभल से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बरका, मुख्तार अब्बास नकवी के बयान पर पलटवार, कहा ये बात गलत है, एक आदमी के ऊपर सारे मुल्क का फैसला नहीं हो सकता, ऐसे कितने वाकयात मुल्कों के अंदर होते रहते। बिलसी विधायक के पिता के निधन पर श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, श्रद्धांजलि सभा के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा समेत तमाम सांसद विधायक मौजूद रहे। मिर्जापुर में देवोत्थान एकादशी के मौके पर नंदगोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि प्रदेश में फैले संचारी रोग को लेकर सरकार और उसके मुखिया संवेदनशील हैं, साफ सफाई और फॉगिंग के निर्देश दिए गए। विशेष ट्रेन से रायबरेली पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री और रेल पहिए कारखाने का किया निरीक्षण। वाराणसी दौरे पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, काशी रेलवे स्टेशन और मालवीय पुल का किया निरीक्षण, गंगा पर बनने जा रहे नए पुल को लेकर किया निरीक्षण। केंद्रीय रेलवे मंत्री का 2 दिवसीय दौरा, 7 नवंबर को देवबंद पहुंचेंगे केंद्रीय कैबिनेट। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे स्टेशन के कार्यों का करेंगे समीक्षा। तहसील समाधान दिवस में अचानक पहुंचे मंत्री असीम अरुण, मंत्री के अचानक तहसील पहुंचने से मचा हड़कंप, आनन फान में दुरुस्त कराई गई सदर तहसील सभागार की व्यवस्था। मंत्री संजय निषाद उन्नाव में आयोजित रिवर रेस्टिंग कार्यक्रम में हुए शामिल, गंगा आरती के बाद मछलियों को गंगा नदी में छोड़ा। मंत्री संजय निषाद का बयान, पार्टी चुनाव लड़ने के लिए होती है और लड़ाने के लिए हमारे कार्यकर्ता तैयारी कर रहे हैं। लखनऊ में बढ़ रहे डेंगू के कहर को रोकने के लिए विधायक राजेश्वर सिंह ने डेंगू रोधी महाअभियान का किया शुभारंभ, जिसमें निःशुल्क 50 स्प्रे और फॉगिंग मशीनों का किया गया वितरण, साथ ही छिड़काव करने वाले कर्मियों के लिए प्रोटेक्टिव किटों की व्यवस्था की गई। सीतापुर में अतिक्रमण हटाने के दौरान पूर्व नगर पालिका चेयरमैन और कोतवाल के बीच हुई नोकझोंक, इस दौरान चेयरमैन ने कोतवाल पर मानहानि का दावा करने की बात कही, वहीं विहिप ने मंदिरों के सामने से कब्जे हटाने को लेकर दिया था ज्ञापन। सुल्तानपुर के विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह का जिला प्रशासन पर बड़ा आरोप, कहा डेंगू महामारी में लोगों को बेवकूफ बना रहा जिला प्रशासन, जिले में आज तक नहीं चली फॉगिंग मशीन। मुजफ्फरनगर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही आई सामने, अस्पताल में रखे शव को आवारा कुत्तों ने नोचा, जिसके बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। मुजफ्फरनगर में 2 लड़कियों के बीच हुई जमकर मारपीट, लोगों ने बीच में आकर दोनों को कराया शांत, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल। लखनऊ में थाना पीजीआई के तेलीबाग पुलिस बूथ को बस ने मारी जोरदार टक्कर, जिसके बाद पुलिस बूथ बुरी तरह हुआ क्षतिग्रस्त। गोंडा में लाइव मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, पुलियों ने ई रिक्शा चालक को जमकर पीटा, कोतवाली नगर क्षेत्र के रोडवेज बस अड्डे का मामला। मथुरा में खाद्य विभाग की टीम की बड़ी कार्रवाई, 2 पनीर प्लांटों को किया सील, पनीर और 5000 लीटर दूध कराया गया नष्ट, अवैध रूप से संचालित हो रहा था पनीर प्लांट। संभल के गुन्नौर में पुलिस ने 24 घंटों के अंदर लूट का खुलासा किया, 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लूटे गए रुपए और आभूषण बरामद किए, 3 को जेल भेजा। कौशाम्बी में अधेड़ पर खौलते तेल फेंकने का मामला सामने आया, जहां बेटी से छेड़खानी का विरोध कर रहे अधेड़ पर युवकों ने खौलता तेल फेंका, जिससे अधेड़ गंभीर रूप से झुलस गया।
जालौन में फौजी के घर से हुई लाखों के सोने चांदी के जेवर की चोरी, घटना सीसीटीवी में हुई कैद, उरई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला शांतिनगर की घटना। चंदौली में शराब तस्करों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई, जहां चेकिंग के दौरान जब्त किया गया अवैध शराब की खेप जब्त की गई, साथ ही एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया और 7180 लीटर शराब बरामद की गई। चंदौली में मुखबिर की सूचना पर आबकारी विभाग ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, उनके पास से 205 ढक्कन नकली QR कोड के साथ अवैध शराब बनाने का सामान बरामद। अलीगढ़ में एक युवक को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया, जहां शौच के लिए गए युवक को डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना गंगेरी के हुसैनपुर का मामला। नोएडा में कंस्ट्रक्शन साइट पर 8 साल की बच्ची की मौत, मिट्टी की दांग में दबने से गई मासूम की जान, पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कंस्ट्रक्शन रोक के बाद भी चल रहा था काम। लखनऊ के नगराम के कनेरी गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में वाहिता का शव मिलने से हड़कंप मच गया, मायके पक्ष ने लगाया दहेज के लिए हत्या का आरोप, पुलिस ने शव को कब्जे में लेके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाहजहांपुर में स्वास्थ्य विभाग ने की छापेमारी, फर्जी डॉक्टर समेत 6 कर्मचारी गिरफ्तार, थाना पोया के बड़ा गांव में स्थित कुमकुम अस्पताल का मामला। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और सीएम पुष्कर धामी पहुंचे कार्यक्रम में, जहां दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ, कार्यक्रम के दौरान जनता से जल को बचाने की अपील की। स्कूली शिक्षा में एक बार फिर फिसड्डी साबित हुआ उत्तराखंड, देश भर में मिला 35वां स्थान, खराब प्रदर्शन करने वाले 10 राज्यों में शामिल हुआ उत्तराखंड। फिरोजाबाद में प्रॉपर्टी विवाद को लेकर महिलाओं में झड़प, जमकर सड़क पर चले लात घूंसे, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल महिला को ट्रॉमा सेंटर में करवाया भर्ती। थाना रसूलपुर के निबूवाला बाग का मामला। मेरठ में शादियों में मेहमान बनकर चोरी करने वाली 3 महिला अरेस्ट, महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहनकर करती थी शादियों में चोरी, थाना करखेड़ा पुलिस ने किया तीनों को गिरफ्तार। जनपद पौड़ी जिले में लोक पर्व का बड़े ही शानदार ढंग से खेला गया, जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय रामलीला मैदान में इगास मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, आयोजन में प्रशासन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ ही भेला नृत्य का आयोजन किया गया। चमोली के गैरसैंण में 4 दिवसीय कृषि उद्यान और पर्यटन विकास मेला रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ शुरू हो गया, इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि अनिल नौटियाल ने मेले को 2 लाख रुपए की सहायता दिए जाने की घोषणा की। रोडवेज बस में युवक हुआ जहर खुरानी गैंग का शिकार, नशीला बिस्किट खिलाकर नकदी सामान लेकर भागा, थाना कस्बाबाग क्षेत्र के अंतर्गत रोडवेज बस स्टैंड का मामला। रामनगर कोतवाली पुलिस ने 3 महीने पहले ही युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मामले में पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है, पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि पटरानी के जंगल में व्यक्ति नरेश का शव बरामद किया गया था। ललितपुर में बड़े पैमाने पर स्टाम्प चोरी का मामला, आवासीय क्षेत्र की जमीनों को कृषि भूमि में रजिस्ट्री कराने में होता है स्टाम्प चोरी का खेल, स्टाम्प चोरी से शासन को करोड़ों रुपए की राजस्व की हानि। लक्सर की पुरकाजी मार्ग पर स्थित एक रेलवे वेंडर कंपनी में प्रबंधन और संविदा कर्मियों में हुआ विवाद, जहां विवाद को लेकर दोनों पक्ष पुलिस कोतवाली पहुंचे, घंटों तक पुलिस ने दोनों का विवाद सुलझाने का प्रयास किया, न मानने पर विधायक के समक्ष पहुंचा मामला। अमेठी में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर हुआ मारपीट, जहां मारपीट के दौरान दोनों पक्षों की तरफ से आधा दर्जन लोग हुए घायल, सूचना पर पहुंची पुलिस, सभी घायलों को इलाज के लिए भेजा CSC। अमेठी में डेंगू ने लिया विकराल रूप, मरीजों की संख्या हुई 123, डेंगू के रोकथाम को लेकर प्रशासन बना लापरवाह, जिले के अस्पतालों में गंदगी का लगा अंबार। लखनऊ के थाना तालकटोरा क्षेत्र में मंदिर बनाने को लेकर बवाल, ओवरब्रिज के नीचे मंदिर बनाने को लेकर चल रहा बवाल, मंदिर बनाने पर निजी कंपनी की रोक को लेकर भारी आक्रोश। आजमगढ़ जिले में पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर बदमाश हुए घायल, दोनों बदमाश लूट की वारदात को दिया अंजाम, दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेरठ में रिश्तों को शर्मसार करने वाले पिता को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा, 10,000 का अर्थदंड। आगरा में तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को मारी टक्कर, आई गंभीर चोटें, अस्पताल में भर्ती, ग्रामीणों ने कार सहित चालक को पकड़ा। कन्नौज में युवक की चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया, जहां पर दोस्तों संग पार्टी कर रहा था युवक, सुबह परिजनों को मिला शव, जांच में जुटी पुलिस।
सहारनपुर थाना सदर बाजार में महिला से बच्चा छीनकर भाग रहा बदमाश हुआ सीसीटीवी में कैद। सड़क किनारे बैठी महिला को पहले पैसे दिए, उसके बाद बच्चा छीनकर भागे बदमाश। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। सुल्तानपुर में जमीन पर कब्जेदारी को लेकर दो पक्ष आमने सामने, जमकर चले ईंट पत्थर। घटना में करीब आधा दर्जन लोग घायल। उन्नाव में इनकम टैक्स की छापेमारी, स्लाटर हाउस पर आईटी की छापेमारी। एचएमए ग्रुप के एओ उमवी स्लाटर पर छापा, 3-4 गाड़ियों से पहुंची टीम। स्लाटर इंडस्ट्री में मचा हड़कंप। आगरा में मीट कारोबारी जुल्फिकार अहमद भुट्टो के ऑफिस और मीट की फैक्ट्री पर इनकम टैक्स छापेमारी से मचा हड़कंप। टीम को टैक्स में हेरफेर की मिली थी जानकारी। एचएमए ग्रुप के नाम से है मीट का कारोबार। गोंडा में करनैलगंज नगर पालिका परिषद में प्रशासन ने की छापेमारी, एसडीएम के नेतृत्व में छापेमारी। छापेमारी में भारी मात्रा में मिला संदिग्ध कागजात, नगर पालिका परिषद के 3 कमरों को किया गया सील। गोंडा में करनैलगंज नगर पालिका परिषद में प्रशासन ने की छापेमारी, निकाय चुनाव को लेकर फर्जी आधार कार्ड बनाने का आरोप। निकाय चुनाव में फर्जी आधार कार्ड के जरिए फर्जी वोटिंग कराने का आरोप। रायबरेली के जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में नशे में धुत दो पक्षों में हुई जमकर मारपीट, मारपीट के दौरान 5 लोग घायल। घायलों की तहरीर पर 8 पर मुकदमा दर्ज। नोएडा में प्रदूषण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा, जिसके कारण लोग जहरीली सांस लेने को मजबूर हैं। वहीं नोएडा में आज एक्यूआई 529 तक पहुंच गया। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के चलते सड़कों पर धुंध छाई रही। अमेठी के जगदीशपुर कोतवाली क्षेत्र के खैरातपुर गांव में मामूली विवाद में हिंसक झड़प, मारपीट में एक को लगी गंभीर चोट। युवक को लखनऊ ट्रॉमा सेंटर किया गया रेफर। बुलंदशहर में इंडिया न्यूज की खबर का असर, पुलिस ने रेप के आरोपी को किया गिरफ्तार। युवती को शादी का झांसा देकर किया था रेप, आरोपी जुनैद पर लव जिहाद का भी आरोप। खबर चलने के बाद एक्शन में आई पुलिस। बुलंदशहर के जहांगीराबाद इलाके में हुई मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में बदमाश रिजवान के पैर में लगी गोली। रिजवान पर बुलंदशहर की अलग अलग थानों में 19 मुकदमे हैं दर्ज। पुलिस ने रिजवान के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किया। अलीगढ़ में डेंगू बरपा रहा कहर, बावजूद में 3 मौत से लोगों में दहशत। स्वास्थ्य विभाग के प्रयासों के बावजूद 250 डेंगू पीड़ित, अब तक कुल 7 लोगों की डेंगू से मौत। मुख्यमंत्री ने इगास के मौके पर दी बधाई, इस मौके पर सीएम ने भेलो पूजन कर भेलो खेलने के साथ लोक कलाकारों के साथ लोक नृत्य में भी हुए शामिल। सुल्तानपुर के धमौर बाजार कस्बे में दर्दनाक सड़क हादसा, जहां ट्रक पलटने से मॉर्निंग वॉक पर निकले एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। एक व्यक्ति का पैर कट गया, गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। हाथरस में हुआ बड़ा हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने 6 से ज्यादा वाहनों को रौंदा। हादसे में 35 घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।